जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह। अज दा मुद्दा तुहाडा सब दा स्वागत करता। पंजाब दी सियासत विच बहुत बदलाव हो रहा है। बदलाव होए है किसानां ने कीते है। किसान अंदोलन ने पंजाब तो दिल्ली तक सियासत नूं इहो जिहा हत्था पैरां च पा दित्ता कि हुण सियासत नूं सोचण ते मजबूर होना पै रहा कि अस्तीफा भी देना पैणा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा दिता, वजीरी छड्डी। इस तो बाद होर धिरां जिहड़ियां वो भी इस अस्तीफे की हमायत में आ गया, पर यह अस्तीफा सिर्फ किसान हिता करके है। सवाल अपने विच पटा तो इस सवाल करके विरोधी कह रहे हैं कि यह ड्रामा है, पर विरोधी की सियासी हितों छड़ के किसान हितों की गल करते पे, कि वो ड्रामा तो नहीं करते पे। सारे सवाल होने लाजमी है, पर इन सवालों के विचाले नवजोत सिंह सिद्धू भी बाहर आते हैं तो एक ट्वीट कर देंगे है तो किसानों के हित में बोल देंगे है। पर सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहला कितने रहे हैं? बहुत सारे सवाल है। भगवंत मान ने जिस तरीके आपदे आप पेश किया, जिस तरीके सुखबीर सिंह बादल ने आपदे आप पेश किया, जिस तरीके कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आपदे आप पेश किया, बहुत सारे सवाल बनते हैं। कुलजीत सिंह नागरा भी इस्तीफा दे देंगे हैं, पर इन सारे सवालों के विचाले एक सवाल है मिशन 2022 तो उस सवाल पर चर्चा होनी लाजमी है कि है पंजाब लई प्लान 2022। अज का मुद्दा कुर्सी ते कलेश। एक कुर्सी 2022 की भी देखती पई है तो कुर्सी होने वाली जी गई है तो कुर्सी वह भी है जी पंजाब विच इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह को। बहुत सारे सवाल है तो इन सवालों के विचाले अज का मुद्दा असं क्यों कर रहे हैं, पॉइंट्स फटाफट साझे कर दी, उस तो बाद मेहमान को चलेंगे। केंद्रीय खेती बिलों से पंजाब तो दिल्ली तक वड्डा सियासी घमसान मच चुक है तो इसका सेक है जो बहुत दूर तक जाएगा। रोस वजो हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री का अहुदा छड्डता तो भावुक भी नज़र आते पे है, पर भावुक होने वाला फैसला घट लगता पै। श्रोमणी अकाली दल के विरोध में विरोधियों ने ड्रामा दस दिता। कांग्रेस के कैप्टन ते आप ते मान ने बादल परिवार को घेरिया कि बादल परिवार तक सीमित होकर रह गया तो किसान हताशी अकाली दल नहीं रहा। किसान जथेबंदियों ने अस्तीफे पिछे संघर्ष का दबा दस्या। पंजाब तो कांग्रेसी विधायक कुलजीत सिंह नागरा ने विधायकी छड़ दी है। केंद्रीय मंत्री तोमर जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री है उन्होंने सने प्रधानमंत्री मोदी तक न फायदे गनवाउण लई सामने आना पिया तो कहना पिया कि तुहानू गुमराह किया जा रहा है। तो सवाल यह भी होगा कितने किसान अंदोलन की ये जड़ा दर्द हैगा उसनू लुकाउण की कोशिश तो नहीं की जा रही, उसनू छुपाउण की कोशिश तो नहीं की जा रही जो इहो जिहियां गल्लां कीतियां जांदियां। अंदोलन लई डटियां किसान जथेबंदियां पिछे हटन के रों विच नहीं, तो जदों मुख्यमंत्री ये कह दे दिल्ली चलो मैं तुहाडे नाल चलदा। बहुत सारे सवाल है, सियासी सवाल भी है तो किसानी सवाल भी है। प्रोफेसर मनजीत सिंह साडे नाल मौजूद होणगे इस मुद्दे चर्चा करन दे लई। पोलीटिकल एनलिस्ट ने प्रोफेसर मनजीत सिंह का लंबा तजर्बा, इन्हां नूं पता कि सियासत कि छानी विचों दी छण के लंघदी है तो किसानी की किनी सुनती है। प्रोफेसर मनजीत सिंह सर बहुत स्वागत है सर तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद के पी सिंह जी। प्रोफेसर मनजीत सिंह मैं इस सवाल तो शुरू करना चाहुंदा कि ये कल्ला खेती बिलों तक सवाल सीमित नहीं हैगा, पंजाब की होंद का सवाल है। पंजाब की होंद का सवाल दे नाल ये संघी ढांचे सीधा करता हुआ सवाल है जिसकी शायद मैं लगता इस वक्त जिहड़ियां पार्टियां है जिहड़ियां अस्तीफा दे रही है पार्टी वह भी संघी ढांचे की गल नहीं करती पी, वह कहती पी है कि असी शंके दूर नहीं कर सके। प्रोफेसर मनजीत सिंह देखो के पी सिंह एक गल तो बड़ी साफ नज़र आ रही है, इतिहास तो भी तो अज के जो टर्मोइल सारा इतने चल रहा जो उथल पुथल हो रही है पंजाब के अंदर कि पंजाब सारे देश नालों एक अलग किस्म ना देखता है, भावें राजनीति होवे भावें वो इतों की अर्थव्यवस्था से ग्रीन रेवोल्यूशन होर भी इतिहास जिहड़ा दसदा जिनी अज टेंपरेचर इतने राजनीतिक इतने हाई है जानी बॉयलिंग पॉइंट पर पहुंची हुई है ये कित भी देश के दे अंदर देखो जे आर्डीनेंस आए आ जे एक्ट बने या बिल पास हुए आ वो तो सारे भारत लिए है कि भारत में तुम्हें खबर यह नज़र आ रही कि कितने इन्ना ज़्यादा हो मिनिस्टर अस्तीफे देने पै रहे हो सुते पे अजे तो जदों वो जागण गए उदों उन्होंने काम हो गया होगा। इसलिए जी एक तो मैं इस गल नोट करना सानू सारियां नूं बनदा। रही गल राजनीति दी, राजनीति बिल्कुल है मैं जे सच्ची गल दसा मैनू एवं लगता कि दिल्ली की सरकार तो लैके पंजाब के जिहड़े राजनीतिक पार्टियां ये ज़्यादा एक खास ड्रामे दे विच जिस तरह कठपुतलियां नचदियां ये अपनियां उत्थे आपो अपना डांस कर रहे या उस स्टेज के उत्ते राजनीतिक मंच के उत्ते। फॉर इंस्टेंस जब सारे इन्ने वे पद्धर से इतने हरियाणे च पंजाब च होर जगह से विरोधता हो रही है तो इस थोड़ी देर सस्पेंड करने की इन्ना क नुकसान हो रहा है, सेंटर को कि नुकसान से मैंने तो अजे तक नहीं समझ आ रही
कि जे पहले वाला सिस्टम होर 6 महीने तक चल जाता, साल तक भी चल जाता, लोगों को मौका मिल जाता कि ऑर्डिनेंस अजे ना रखे जाने, यो मंग कर रहे हैं ना अकाली दल ने, होर तो कोई मंग नहीं की कि अजे ना लैके आओ, सिलेक्ट कमेटी भेजो, जी रेलीवेंट पार्लीमेंटरी कमेटी भेज दौ और किसानों की भी ये गल सुनी जाए। यह गल की है, ये गल सुन ली तैयार नहीं, हुणे करना, कोरोना के दौरान करना, जो लोग भुखे मर रहे हैं, हुणे ही असी खेती तबाह करके छड़ना, इहदा मतलब ये निकलता है कि सेंटर की गवर्नमेंट ने केपी सिंह इन्ना पैसा कारपोरेटा अदानिया जां होरना कोलो लै के पिछे खर्च कर लिया पिछलियां चोणां च, उन्हां नाल वादा किया होया कि असी इन्ने टाइम के अंदर अंदर आ तुहाडा काम करके रहांगे, नहीं तो इस गल की पंजाब की बीजेपी ते ऑल इंडिया दे विच भी एनडीए जो थू थू हो रही है, जो इहदी कीमत तारनी पऊगी, वो शायद उन्होंने अजे अपने तौर दे उत्ते अहसास ना होवे। इत्थे दी खेती एक कली ते कली खेती सीगी जिहड़ी 3.3% GDP की कंट्रीब्यूशन के नाल 3% ग्रोथ हुई सी, ते वो करोना के दौरान 3.4 यानी वधी है, बाकी सारी दी सारी GDP मूहे मूह डिग पई है सारे देश दे अंदर, उसनू भी ये तबाह करन चले आ। ते मैं इन्नी गल कहनी चाहुंदा आ केपी सिंह, फिर तुसी सवाल करियो कि जो पंजाब दे अंदर हो रहा जां दिल्ली दी पार्लीमेंट दे अंदर ड्रामे चल रहे आ, ओदे पिछे कड़ी ताकत आ, उसनू एड्रेस कर रहे, लोगों तो देख नहीं रहे कि दे मरदे आ ते मरना, कल एक किसान इस अल्फाज खा के लंबी दे विच सुसाइड कर लिया, इहदे नालों इंतहा कोई होर हो सकता केपी सिंह? प्रोफेसर मनजीत सिंह, मेरे सवाल का जवाब हजे तक नहीं मिलेगा, एक कला खेती सैक्टर की होंद नू खतरा नहीं हैगा, किसानी नू मारन का खतरा नहीं हैगा, मेरा सवाल सी ये पंजाब की होंद नू भी खतरा? बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल, नहीं ये लगातार ही आ, हुण की आ, जिदन जिदन धारा 370 हटी सी उदों अकालियां नू नहीं सी नज़र आउंदा, असी तुहाडे ही इस चैनल ते किन्ना दुहाई दे दे के पूरा चीक चीक के कह रहे सी कि अकालियो जाग जाओ, जो जिथे तुसीं प्यार पींगा झूठ रहे आ वो तुहानूं बहुत महंगियां पैणगियां, जे अज हमला जम्मू कश्मीर ते आ तुहाडे ते आया ही आया खड़ा, वो खेती के रूप च आ गया, हुण क्यों कह रहे हैं? हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणे भी कह रहे हैं कि देखो जी साडी इत्थे जिहड़ी सूबियां दे जिहड़े वाध अधिकारां दे फैडरल ढांचे ते संघी ढांचे की संघी कुट्टी जा रही है, हुण कहना शुरू किया, हुण अकालियां नूं भी याद आ जूगा, हुण वह भी इस गल दे नारे लाउणगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इहदे च कोई दो राय नहीं है कि इत्थे दे जिहड़ा फैडरल ढांचा उहदे ते, क्योंकि एग्रीकल्चर केपी सिंह इह स्टेट सबजैक्ट आ, सेंटर की लगता है इस गल इन इंटरफीरेंस करता, वो हौली हौली सूबिया के कोलों सारे अधिकार अपने लै गया, एजुकेशन स्टेट का सबजैक्ट से वो भी उन्होंने कंकरेंटली से जितना हेल्थ का आया वो भी उधर जरा सेंटर के उत्तर स्कीम आदि, इस करके जिन्हें भी सूबिया के अधिकार आ भावें खेती का होर किस्म का हो, ईवन टैक्स भी वड्डे पद्धर से सेंटर से जाता, हुण ठेंगा दिखाता सारिया, वो कहते असी तुहानूं लोन देंगे, असी कोई कंपनसेशन नहीं देना, जानी सेंटर की सरकार सूबियां नाल इंज बिहेव कर रही है जिवें ओ ते बाहरों आए होण ते बाकी दे सारे इत्थे देसी लोग होण, अपने देश दे लोग होण। फिर ये हालात प्रोफेसर मनजीत सिंह सवाल यह बनता है कि जे पंजाब की होंद नू खतरे वाला सवाल असी खड़ा कर रहे हैं, फैडरल स्ट्रक्चर वाला सवाल असी खड़ा कर रहे हैं, फिर सारिया खेतरी पार्टियां नू देश विच एकजुट होना पवेगा, तां ही सर सवाल वड्डा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल केपी सिंह, तुहानू तुसी नोटिस कीता होना, तुसी बड़े शार्प जर्नलिस्ट हैगे आ कि जिहड़ियां 8 पार्टियां ने पार्लीमेंट दे विरोध पार्लीमेंट दे बाहर प्रोटेस्ट कीता आ GST दे नां दे उत्ते, तो उन्होंने कांग्रेस नू नहीं बुलाया, किसी ने पूछा भी कांग्रेस कित्थे आ, कांग्रेस क्यों नहीं आ, अमरिंदर सिंह भी इत्थे जोर ला रहे आ पंजाब दे विच कि सानू GST नहीं मिली, राजस्थान कहिंदा सानू GST नहीं मिली, जिथे जिथे कांग्रेस दीआं सरकारां कि साडा पट्ठा बैठ रहा, सानू आप साडा GST का जिहड़ा हक बनता वह वापस दो, तो सानू लोन ना दो वह भी विद इंटरैसट, तो इस गल ते पर उन्होंने उन्होंने बुलाया नहीं, वह कहते कांग्रेस भी यहो जी, ये कोई दो राय नहीं हैगी जी तुसी गल कह रहे हैं कि जिहड़ियां रीजनल पार्टियां आ जब तक वह मजबूत नहीं हुंदियां केपी सिंह उदों तक इस देश का कोई भला नहीं हो सकता, नहीं तो जिस तरीके हुण तुसी भाषा दे गल ते भी देख लो कि हिंदी का पंद्रवाड़ा तो हफ्ता मनाया जाता, बाकी दियां भाषावां मतरेईयां समझिया जाता, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हर भाषा कोई ज्यादा लोग बोलते कोई घट बोलते, पर इज्जत अदब जिहड़ा आ उहदी रिस्पैक्ट आ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए है, एक भाषा दूजियां उत्ते लदना जां एक किस्म की सोच नू पॉलिटिक्स नू दूजियां सूबियां दे विच जबरदस्ती ठोसना, एक पॉलिसी नू ठोसना और कारपोरेटां दी मदद करनी, इस तरीके नाल इह देश नहीं चलन वाला। ठीक है, मैं एक छोटा ब्रेक लगे, प्रोफेसर मनजीत सिंह वापस आ रहे हैं।
वैसे मनजीत सिंह जी हुण तक चर्चा हुई है पहले सैगमेंट के उतों चीज़ बाहर निकल के आ रही है कि सानू पंजाब लई प्लान 2022 तक नहीं सोचना चाहिए गा। ये प्लान 2022 सिर्फ सियासी प्लान आ, जे सियासी हितों पासे रख के जे तुसीं वाकई सोचोगे देश का जिहड़ा संघी ढांचा उसनों बचाउणा किवें हैगा, डेमोक्रेसी आ लोकतंत्र की लाज किवें रखनी हैगी आ, फिर अंदोलन सफल होणगे। जे इसनों सिर्फ सियासी मुफादा लई देखना हैगा तो फिर चाहे अस्तीफे जिन्ने मर्जी दे दो, जे तुसीं गल नहीं करोगे संघी ढांचे ते खतरा हैगा तो फिर इन्हां अस्तीफिया का भी कोई फायदा नहीं गा। फिर इत्थों साबित हुंदा तुसीं सिर्फ कुर्सी लई लड़ाई लड़ते पे हो, जो कुर्सी लई लड़ाई लड़ते पे हो तो फिर किसानी की गल नहीं होगी। वापस आ रहा प्रसन्न मनजीत सिंह, मैं एक सवाल जिहड़ा पहला छड़ के गया सीगा, मैं सवाल छड़ के गया सी, उस सवाल तुसीं अगे वधांगे कि पंजाब लई प्लान 2022 आ, उस तो अगे जाके सोचना पवेगा कि असल विच साडा भविख की हैगा, सूबिआं ते केंद्र दे अधिकारां दा यह सारा मामला, तो उस तरीके एड्रैस भी करना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेटमेंट देंदे आ कि इस ते सियासत नहीं होनी चाहिए इस अंदोलन ते, अकाली दल कहिंदा कि असी सियासत लई नहीं किसानी हितां लई कुर्सी छड्डी है। मेरा सवाल है प्रोफेसर मनजीत सिंह, वाकई जमीनी तौर पर ये पार्टियां जिहड़ियां वो खेतरी जिहड़ा अधिकार है उनकी गल कर पा रही या नहीं कर पा रही, कि शंभू बार्डर तो पार करते भुल जांदियां? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ, ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਖੜ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਰਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਤਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਬੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ 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 ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 2022 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਐਂਡ ਇਨ ਇਟ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਮੁਕਜਾ ਕਰੋ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਵੈਤਤਾ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਹੈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਯੂਥ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਹਲੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਚੱਲੂਗਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਦੀ ਲੈਫਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਦੀ ਰਾਈਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਊਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, NRC ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਤਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਬਾਕੀ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ, ਪੂਛ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਇਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਤਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਟੋਨਮੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਰੋਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪ੍ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕੋ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ KP ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 50ਵਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੇਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟਾਈਪ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਿਆ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਿ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀਓਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜਪਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 11 MP ਸੀਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ MP ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਠੂਠੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੂਠਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸੀ ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬੜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ एक छोटा ब्रेक ले लिया समजीत सिंह वापस आऊँगा जी मैं इन्होंने विचार आपके प्रगट किए हैं कि उन्होंने विचार के विचाले सानू जिहड़ी चीज़ असी भी जिंदा जिक्र कर रहे हो समझ आ रही है कि जिहड़ी सियासत है वह आपके हितों नू अगे रख के सारे फैसले करती है पर हुण तुहाडे कोल मौका है इस सियासत नू सवाल करो कि साढ़े हितों की गल तुसी किन्नी करते हो जे तुसी सवाल नहीं करोगे तो फिर आपके हित पगाउंदे रहणगे लड़ाई कुर्सी की है पर कुर्सी की लड़ाई के विच जे तुसी सवाल पूछना शुरू कर दोगे तो इन्हों समझ आऊगी कि इन्हों कुर्सी तक पहुँचाने भी तुसी हो जो तुसी इन्हों ये समझा दोगे फिर ये तुहानू भी समझ लग जाएंगे वापस आ रहे हैं रसम जी से मैं आ रहा थोड़े को एक फोन कॉल ले लिया आप हाँ जी सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे जी कितों बोल रहे जी स्वागत है तुहाडा हाँ जी सत श्री अकाल जी मैं कैलीफोर्निया तो बोल रहा हरदीप सिंह हाँ जी हरदीप जी तुसी अपना सवाल रख सकते हो सर हाँ जी सत श्री अकाल जी थानू भी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी मैं ये थोड़ा प्रोग्राम जो खास करके थोड़ा प्रोग्राम हुंदा वो मैं जरूर देखता और जो कुछ मैं बोलने लगा वो सब कुछ मैं थोड़े को ही शायद सीखा हुआ जां उन्हां गल्लां चों कढ़िया हुआ देखो पहली गल हैगी आ भई ये जो ये वध अधिकारां दी गल चली आ जां वो गल्लां वो पहला अकाली दल कर चुका और उहदी सज़ा भी भुगत चुका किसी ने उहदी उदों हमायत नहीं सी कीती उहनूं वखवादी कह के कुट के मार के अपना दरबार साहब तोड़ के तो सजा उन्हें देती है हम भी उस कहें भी वो ये गल फिर कवे अच्छा दूजी गल हम जे उन्हें पहला जे दाड़ी भी किसी की हिलती सी हरसिमरत अस्तीफा दे हरसिमरत अस्तीफा दे चलो हम तो वड्डी गल सी उन्हें अस्तीफा देता हूँ वड्डा दिल करना जे पंजाब लई लड़ना जे किसानी लई लड़ना तो सारे सिर जोड़ो किसी के नाल सिर फोड़ो ना सिर जोड़ो जी सारे पंजाबी कट्ठे हो ये गल छड़ दे बाई च की होना है तुसी पंजाबी बनो ना कि कांग्रेसी अकाली जा कोई आम पार्टी बनो जे पंजाबी बन के लड़ोंगे किसान बन के लड़ोंगे तो जरूर थोड़ी खैर पाओगी और गोडा उन्होंने संघ ते रख के तुसी हर एक चीज लै सकोगे जे तुसी इत्थे एक दूजे दी लत्त खिच जाओगे तो कुछ नहीं बनना ना अगे कुछ बनिया उदों इन्होंने बदनाम करके जो इन्होंने खटिया वो तो गां पंजाब बर्बाद हो जाऊगा होर कुछ नहीं होना चलो बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह जी बहुत वैलिड पॉइंट तुसी साडे नाल सांझे कीते है बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिर जोड़ने पैणे है बहुत धन्यवाद तुहाडा जी बहुत धन्यवाद हाँ जी हाँ जी थैंक यू प्रसमजीत सिंह जिहड़ी इन्होंने गल की है कि सिर जोड़ने पैणे है मैं इसनूं थोड़ा जिहा अगे वधाऊंगा इन्हां दा बड़ा तजर्बा इन्हां दी आवाज़ तों मैनूं अहसास हो रिहा सीगा प्रसमजीत सिंह श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ा इह स्टैंड लिता हुण चाहे स्टैंड ड्रामा कोई करार देवे जां कुछ कहे ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव के जरिए सानू यह सोचना पवेगा कि श्रोमणी अकाली दल जे इहनूं देश दा अंदोलन बना दे जे दस दे कि असी देश दे किसानां दी आवाज़ बनना चाहते हैं छड्डो सर तुसी खित्तियां नूं भई असी इत्थे आ हो गया जे तुसी इहनूं देश दे किसानां दी आवाज़ बना के पेश करो तो मोदी सरकार नूं भी समझ आ जाएगा कि असी किसान विरोधी फैसले क्यों लै रहे हैं अकाली दल दे विच कुव्वत हैगी है सारे फैसले लैण दी सियासी हितां नूं पासे रख के नहीं कि अंदोलन छेड़ने दे नाते ते कहोगी असी यूपी लड़ना एम पी लड़ना यह नहीं चाहता मैं प्रसमजीत सिंह दो जवाब बिल्कुल जिथो तक उन्होंने पार्टी के संविधान की गल पहले पैरे की यह कुछ लिखा हुआ कि असी ठंगी संघी ढांचे को मजबूत करांगे असी घट गिणतियां की रक्षा करांगे ये सारिया गल्लां शुरू के पहले पेज से तुहानू अकाली दल के प्रोग्राम से उन्होंने कितने बाहर देखने की लोड़ नहीं उन्होंने ध्यान ना दोबारा पढ़ के डिस्कस कर लैन पर दो गल्लां प्री कंडीशन बहुत जरूरी है एक कि मैं जिवें पहला भी कह चुका कि यह जथेदारां दी पार्टी सी काडर दी पार्टी सी थले वाले बंदे नूं नाल लैके चलण वाली वह जद तक एक वड्डा रिफॉर्म अंदरों दिलों नहीं करदे तां इह पार्टी दे विच दुबारा जान आ ही नहीं सकदी इहदे टॉप डाउन करना जे सोनिया ते राहुल वांगू दिल्ली दिल्ली तो चल के गल पंजाब च पहुंचनी आ जां इन्हां दी हुण एक लंबी तो चल के सारे पंजाब च पहुंचनी आ उह मुश्किलातां करती मूवमेंट नहीं लड़ सकते पहली तो यह सुधार लिया पा दूजी गल जी कह रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि जब तक ये कांग्रेस नालों ज होर पार्टियां नालों वड्डी लीक नहीं खिंचते तो यह थले थले घूमती फिरकी रह जूगी पंजाब तक सीमित रह जाएंगे तो इन्हों उठना बहुत औखा हो जूगा जे दहाड़ के कह दें
कि साढ़े जिहड़े पंजाब दे किसान ही साढ़े अपने किसान नहीं सारे देश दे किसान इस वेले मारे आ और इन्हां किसानां नूं हरियाणे दे यूपी दे होरनां किसानां दे नाल जोड़ के और नाल उहदा मुद्दा जिहड़ा आ संघी ढांचे नूं मजबूत करन दा सूबियां दे जिस तरह बाकी दीआं सारीआं पार्टियां मैं ते अगे ही हस रिहा सी जिहड़ीआं अठ पार्टियां मैं कहा उदों तक ते उह वी बाहर आ गए सी अकालीआं नूं वी नौवीं नाल विच जोड़ लैणा चाहीदा सी इस तरीके नाल मेरा ख्याल है कि अकालीआं नूं बिल्कुल जिहड़ीआं रीजनल पार्टियां उन्हां दे नाल अपना एकदम तालमेल करके उत्थे हाजरी लवाउणी चाहीदी हुण जे इह छड्ड दित्ता ते चज ना छड्ड देण हुण पिछल झाक ना रखण कि कल नूं की बणूगा इत्थे किसे दा कोई होर नहीं बणना ਸਵਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਟੁੱਟੀ ਆ ਭੱਜੀ ਆ ਕਰਪਟ ਆ ਖਾ ਗਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਤੇ ਪਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਨੀ ਸੀਟ ਨਾ ਚਲੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ सामने होंगी है जो उसने कोई पोलीटिकल फैसला लेना तो यह अपना आप नूं पंजाब तक महदूद करके ना देखण समुचे भारत में किसानी का जिहड़ा मामला तो वो राजनीतिक गठजोड़ किवें करके उसनूं बचाउणा उस लई इह लीड लैण जिवें पहलां एमरजेंसी का मैं बार बार इन्हां दा कहिंदा आ एमरजेंसी के दौरान वाहद अकाली दल सी सारे देश दे विचों जिन्हें लगातार मोर्चा ला के जेलां भरियां ईवन मैनूं पक्का पता कि कम्युनिस्ट भी इस गल तो डर गए थे जिहड़े अपने आप नूं बहुत मिलीटेंट समझते सी उन्हां दिनां च कि जे इंदिरा गांधी का माइंड चेंज ना होया तो हो सकता सानू कदी जेलां चो ना कढ़न ते असीं जेलां च सड़ के मर जांगे ते सिर्फ इन्हां ने बहादुरी की थी वह रूप एमरजेंसी दे जो इन्हां ने विरोधता दिखाई सी इसे तरीके नाल सेंटर दे विरुद्ध वह रूप लैके इन्हां नूं एक मिनट कॉल ले लईए आपां मैं तुहानूं रोकना नहीं चाहुंदा सीगा हां जी सति श्री अकाल जी कौन बोल रहे जी कित्थों बोल रहे जी कानून पास कर लिया रिवर्स तो नहीं कर लगे पर एक चीज जरूर कर सकते फार्मर जी अपने कोऑपरेटिव बना लैन आप दी मार्केटिंग करन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म हो रहा यूएसए चाहे पचास साल हो गया इतने भी फार्मिंग की मेरे हजार एकड़ से इतने का सिस्टम यह है कि एक कोऑपरेटिव बनाई हुई है जो भी तुम ग्रेन जाना वो आपके इन्होंने साइलो बने हुए तो उत्थे जाके वे करके आपके अनाज उत्थे दे सकते हो फिर तुहाडी मर्जी है जो तुम वेचना तुम कॉल करो भी अज इहदा पा अपने आप लगता दैन यू कैन सैल इट सो यू हैव फुल कंट्रोल ऑन इट सो ये चीज उत्थे हो सकती है ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਸਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਾਊਚ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ सवाल यह पैदा होंदा कि जेडे छोटे किसान जेड़ा तुसी के पी सिंह महसूस करते मैं भी करदा जेडे समॉल ते माइक्रो जानी जेडे दो एकड़ वाले एक एकड़ वाले पांच एकड़ फार्मर आ उन्हां दे कोऑपरेटिव अलग होण पांच तों भी वालियां दे अलग होण भी वालियां तों जेडे उपर वाले जेडे दूर तक मार चल भी सकदे आ ते अप्रोच कर सकदे उन्हां दे अलग होण ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜੜਦੇ ਤੇ ਉੱਜੜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਰਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
आप दे बेनिफिट लाने रला सकते हो किस तरह हुण खुल देती उन्होंने स्टोर कर सकते हो वट एवर इट टेक्स। नंबर दो तुसी आपकी मार्केटिंग कर सकते हो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यह चंगी चीजा ने पर प्रैक्टिकल साइड है जी होनी एक तो फार्मर आपको बिच ही मिलकर नहीं बैठ सकते कट्ठे होने की लौड़ है वो इन्होंने करना नहीं क्योंकि मैं उत्थे जंपल हाँ जिम्मेदार हाँ तो मैं पता पर जे उन्होंने रस्ता दिखाया जाए कि जो जो पॉलिटिशियन ने हेल्प कर जे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने जो मेरे स्टूडेंट इस वक्त बड़े हाई लैवल से पेश हुए हैं जो मैं पिछले जाके आया मेरे चार लैक्चर से उत्थे उन्होंने दसता सगा अज तो 15 महीने पहला भी आ कुछ होने वाला हो गया हो पर क्योंकि ये रिएक्टिव ने प्रोएक्टिव नहीं सो अज जे समहाओ कोऑपरेटिव मूवमेंट चल पवे मेरा ख्याल है तो ये आपकी जी जिनस आनू सही मुल से बेच सकते हैं तो यू बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं तो ये आपका भा जरा आप बड़ी वाजब गल फरमाई है सिर्फ किसानी तक सीमित करके देख रहे हैं जबकि पूरी आवाम लिए सारे फैसले हो रहे हैं बहुत धन्यवाद सरां साहब बहुत वैलिड पॉइंट रखे बहुत शुक्रिया बड़े पॉइंट्स है साढ़े सामने आ रहे एक छोटा ब्रेक लैके वापस आ रहे प्रोफेसर मनजीत सिंह ये सियासी मुफादा की गल जिते हो रही है उत्थे आवाम की गल भी हो रही है कि आवाम नू इसका की नुकसान हो सकता की फायदा हो सकता किसान अंदोलन जिहड़ा किस तरीके अगे वधना चाहिए सियासी लीडर इस किसान अंदोलन नू अगे वधन देणगे जां ये किसान अंदोलन विच तोड़ लैन किसान जथेबंदियां सारियां एकजुट किन्नियां हो सकनगियां 250 जथेबंदियां जदों एक प्लेटफॉर्म ते आ जान जदों सारियां जथेबंदियां ये कहण कि ये साडे खिलाफ है उदों ये सवाल करना लाजमी हो जांदा कि इस अंदोलन नूं इकट्ठा किवें रख्या जा सकदा ते इस अंदोलन का पद्धर वड्डा किवें कीता जा सकदा जां जिहड़ी केंद्र सरकार कह रही है केंद्र सरकार दे दावियां नूं किवें असीं जमीनी पद्धर से मान लिए कि पंजाब हरियाणा या यूपी का कुछ हिस्सा जिहड़ा उस नुकसान नहीं होगा बहुत सारे सवाल है असीं उन्हां सवालों के जवाब लैण लई बैठे हैं वापस आ रहे हैं। हाँ जी सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे जी कितों बोल रहे जी हाँ जी मैं गुरदेव सिंह बोल रहा जी जर्सी तो ते मैं जरा कहना चाहना दो गल्लां जी एक तो पहली गल मैं ये कहनी चाहना कि ये जड़ी डिबेट रखी है अज की अज का जो अज का मुद्दा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक भाई साहब ने इतने कहा कि सिर जोड़न की लोड़ है सिर जोड़ के आप अपने पंजाब नूं बचा सकते हैं पर मैं इतने एक गल जरूर कहनी चाहना है कि जेड़े साडे पोलीटिशियन है सारे ही पोलीटिशियन है ये व्यापारी बन चुके हैं ये व्यापारी कदे एक व्यापारी दूए व्यापारी नाल सिर कदे नहीं जोड़ सकता जे जोड़ सकता तां वो सिर्फ दोए इस करके इकट्ठे हो सकते हैं भी असी इस किसान नूं किवें लुटीए इसकी फसल नूं तुसी भी वधाओ ना मैं भी नहीं वधाउंदा ते इहनूं बेचणी पएगी सो मेरा कहण तों भाव इह है भी जे इहो जे मुद्दे लियाउणे चाहीदे आ तां कि पंजाब दी बचत हो सके पर जद हुण तक असी देखिया 70-75 साल की साडी उम्र भी होगी कि किसी भी पार्टी ने पंजाब के हित की गल कदे नहीं करी जो चंडीगढ़ का मुद्दा है उन्होंने छड़ता पंजाबी का मुद्दा है उन्होंने छड़ता तो होर सारे मुद्दे इन्होंने छड़ते ये क्योंकि सेंटर ते डिपेंड करता है सब कुछ इन्हां दे कोल क्योंकि साडे जिहड़ियां वड्डियां पार्टियां है ये ऑलरेडी फसे हुए हैं बहुत मुकदमे दे विच बहुत इन्हां कोल बड़े इहो जे जिहड़े के सेंटर इन्हां नूं डरा के अपने नाल रखदी है क्योंकि जिहड़ी सब तो वड्डी पला हैगी है पार्टी सब तो वड्डी एजेंसी है वह सेंटर दे अधीन है सुप्रीम कोर्ट सेंटर दे अधीन है सो इस करके मेरी बेनती है भी ये सिरता जोड़ नहीं सकनगे कदे भी इन्हों परमात्मा वैसे ही कोई समत बख्श दे हो सकता है भी पंजाब का कोई भला हो जाए शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और दूसरी बेनती मैं करनी है भी जिहो जिहा पंजाब दे अज दा मुद्दा लिया मेरी इस बेनती है
कि केपी सिंह एक बहुत सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं, पंजाब के मुद्दे कृपा करके इन्हों ही दिया करो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी गुरदेव जी, शुक्रिया जी। प्रसमजीत सिंह आखिरी रिमार्क्स थोड़े चाहिए है, जिहड़ा इन्होंने सवाल खड़ा करता कि इन्हां ते केस पए हुए है, इस करके केंद्र इन्हां नूं आपदे मुट्ठी च रखदा। मेरा आखिरी सवाल है सर, पंजाब लई प्लान 2022 है, ये इन्होंने कहता कि व्यापारी लोग है ये सिर नहीं जोड़ सकते। सर मेरा सवाल है, किसान अंदोलन तो नहीं खराब कर देंगे ये लोग? देखो जिहड़ी सत्ता की गल करते हैं ना, कल्ले किसान भी, किसान दीआं किन्नीआं यूनियनां आ, 2 दर्जनां तों उपर आ, ठीक है, अजे कई तो उन्होंने नाम नहीं देख रहे। इसलिए किसान खुद भी वो अपनी पत्तर की राजनीति के हिस्से बने हुए हैं, जिड़ी कि उन्होंने अंदरूनी राजनीति आ, और कितने ना कितने कई दूजिया पार्टियां के नाल भी वो लिंकड है, जितों उन्होंने आर्डर चलते हैं वो भी अपने एक बिल्कुल सारे हित राजनीतिक छड़ के एज किसान किसान के तौर पर पूरे एक पूरे तौर पर नहीं कट्ठे। रणजीत सिंह कुल मिला के तुम ये कहना चाह रहे हो कि कोई सिर नहीं जोड़ सकता? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो इसे करके राजनीतिक पार्टियां ने ते सिर की जोड़ने, ये साडी विश जरूर है कि पंजाबी सारे इकट्ठे हो जाए। चलो फिर इहदा मतलब इन्हां नूं सिर्फ 2000 किसी 2022 देखदा, किसी 2024 देखदा, इन्हां नूं पंजाब जां संघी ढांचा नहीं देखदा? बिल्कुल इस तरह की हालत बनी हुई है, पर इहदे विचों दी लंघ के ही सानू कोई ना कोई अपने भविख नूं तराशना पऊगा। जिहड़ी ये विश करनी कि इकट्ठे हो जाओ, फ्रंट बना लो, तीजा फ्रंट बना लो, ये सारियां हवाई गल्लां, इंज कख नहीं हुंदा। एक किसी अगे आके उस लगातारता दे विच इस सारे मसले नूं अड्रैस करना पऊगा, और इस जिल्लत विचों ते इस जिल्लण विचों पंजाब नूं कढ़ना पऊगा। जिथों तक फ्रंट बनाउण दा है ते साडे पंजाबियां नूं बिल्कुल कोई सूट करदा नहीं, करदे नहीं है। इसे करके चलो एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, पंजाब दा जिहड़ा पंथक एजेंडा वार वार रख्या जांदा, उह पंथक एजेंडा ते इस वार किसानी एजेंडा भारू पै रहा? इह इस वेले ते बिल्कुल देखो पिया होया, पर ज्यों ही है किसी पासे एक पासे इधर उधर होगा तो वह पंथक एजेंडा फिर बार बार अगे आऊगा, क्योंकि पंजाब ते पंथ के नाते चलता ही है। इसे करके सब तो ज्यादा उम्मीदा केपी सिंह, और जे सब तो ज्यादा गुस्सा आता वह भी लोगों को अकाली दल से आता, जे सब तो ज्यादा उम्मीद लगती है तो वह भी अकाली दल से लगती है, क्योंकि उही एक रीजनल एसपीरेशन पंजाबियों उन्होंने रिप्रेजेंट करती पार्टी है। वो अपनी इस जिम्मेवारी जो खुद ना समझ तो वह ना समझ, पर लोगों का जे कोई आने वाला भविख थोड़ा बहुत देखा जा सकता तो वह रीजनल पार्टियां तो रीजनल पॉलिटिक्स तो ही देखा जा सकता। चलो बहुत धन्यवाद प्रसमजीत सिंह, बहुत वैलिड पॉइंट्स शेयर किए हैं, बहुत शुक्रिया थोड़ा। सारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, तुहाड़ियां कॉल्स हजे भी लगातार आ रही हैं, मैं कॉल्स ज़्यादा नहीं लै पा रहा, उस लिए मैं माफ़ी मांगदा कि मतलब जाचक है, पर सवाल यह है जिस तरीके खेतरी पार्टियां नूं अग्गे आना पवेगा, जे संघी ढांचे की रखवाली करनी है, JJP वर्गियां पार्टियां जिन्हां नाल अकाली दल मिलता भी पिया, इस तो अलावा होर खेतरी पार्टियां हैगियां जिन्हां नूं सारा सोचना पवेगा। इकला पंजाब हरियाणा ते यूपी के कुछ हिस्से का उन्दे ते असर नहीं होना गा, ये पूरे देश दे विच किसानां ते असर होगा। ये अज नहीं पता लगता पिया, हौली हौली पता लगना शुरू करेगा जदों ये सारा कुछ लागू होना शुरू होया। पर सवाल यह हैगा जे संघी ढांचे नूं बचाउणा हैगा तां पंजाब लई प्लान 2022 छड्ड के पंजाब के भविख बारे सोचना पवेगा, इतों जी जवानी रुस के बाहर जा रही है उस बारे सोचना पवेगा। जे असी नहीं सोचांगे, हाथ ते हाथ धरके बैठे रहांगे, तो फिर सवाल असी आपदे आप नूं जरूर पुछिए कि असी उदों क्यों नहीं बोले जदों बोलन की लोड़ सी, जदों बोलन की लोड़ हुंदी है उदों जे नहीं बोले तो फिर असी इदां ही करते रह जावांगे, सिर्फ चर्चावां ही करते रह जावांगे। सिर जोड़ने पैने आ, सिर जोड़ने किवें, क्योंकि एक कॉलर ने तो इतना कहता कि सारे लोग व्यापारी बन चुके हैं, जे इन्होंने आपदे आप तो अटैक लगाना तो फिर व्यापारी पुनः छड़ना पवेगा, असली मुद्दे ते आना पवेगा। अज का मुद्दा विच नहीं, बहुत धन्यवाद।